हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, सब खुश होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से हम सब भी एकदम ठीक ठाक हैं। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं कहीं बाहर। वो कहाँ जा रहे हैं वो मैं आप लोगों को आगे बताऊँगी। जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी शादी सीजन चल रहा है, तो डेली डेली हम लोग को कहीं ना कहीं जाना ही पड़ रहा है, और डेली ही शादियाँ अटेंड करनी पड़ रही हैं। सो ये वाली जो शादी है ना, ये हमारे रिलेटिव्स की है, तो ये वाली शादी मुझे और मेरे हस्बैंड को अटेंड करनी थी, तो इसी वजह से हम भी आ गए हैं साथ में। तो हम लोग जा रहे हैं ग्वालियर, और यहाँ पे हो रही है हमारे ब्यूटीफुल से ब्राइड की एंट्री। तो उन्होंने कुछ इस टाइप से ही एंट्री करी थी, उनके साथ में उनकी सारी सिस्टर्स चल रही हैं, और आगे आगे मैं दिखाऊंगी आप लोगों को हमारी ब्यूटीफुल सी ब्राइड की, वो निकाह के जोड़े में कैसी लग रही हैं। और वास्तव में जो है निकाह जब होता है तो रेड जोड़े में दुल्हन और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को अपने रिलेटिव्स से मिलवा देती हूँ। तो हम लोग जिनकी शादी में आए हैं, जो ब्राइड हैं, ये हैं उनके मामू और मामानी, तो उनसे मिल लीजिए। और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पे आकर, क्योंकि सारे ही लोग बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और शादी वगैरह में यही होता है कि सिर्फ खाने के लिए कोई इंसान नहीं जाता है, बस ये है कि काफ़ी सारे रिश्तेदार मिल जाते हैं आपको, और बातें चीतें भी हो जाती हैं। वैसे घर में कौन आ रहा है, कोई नहीं आता है ज़्यादा, लेकिन शादी ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे काफ़ी सारे रिलेटिव्स भी मिल जाते हैं, उनसे बातें भी हो जाती हैं और अच्छा भी लगता है। तो बस अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हुए थे सभी लोग, और बातें कर रहे थे यहाँ पर खड़े होकर, और भी काफ़ी सारे लोग मुझे मिले यहाँ पे, मेरे सब्सक्राइबर भी मिले, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब कोई हमारे सब्सक्राइबर जब हमें दूर से पहचानते हैं, हमसे मिलते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे देख लीजिए, हमारे मामू भी आए थे शादी में, तो बस मामू यहाँ पर कुछ आप लोगों से बोल रहे थे, लेकिन मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा लाउडली म्यूज़िक चल रहा था, तो इसी वजह से जो है मैं म्यूज़िक नहीं रख सकती थी, कॉपीराइट आने का डर रहता है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर किया है। और सारा इंतज़ाम हम लोगों को जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये था स्टेज, और देख ही सकते हैं आप लोग कि स्टेज किस तरीके से उन्होंने सजाया है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और तो बस यहाँ पे जो है ना, हम लोग गिफ्ट लेकर के गए थे, तो गिफ्ट हमारे गाड़ी में ही डले हुए थे, तो अभी जो है मैंने मंगवा लिए हैं। तो अभी हम लोग ब्राइड से मिलने के लिए जाएंगे। और मेरा पता है बचपन से ऐसा रहता था कि जब भी मैं किसी भी शादी में जाती थी तो मुझे ब्राइड से मिलने का बड़ा शौक लगता था। मैं खाना नहीं खाती थी, मैं किसी से नहीं मिलती थी, लेकिन सबसे पहले मैं ब्राइड से जाके मिलती थी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था उनसे मिलना और उनको देखना, निकाह के जोड़े में स्पेशली, क्योंकि निकाह के दिन जो है ब्राइड के ऊपर बहुत ही अच्छा नूर आता है, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और ये है हमारी ब्यूटीफुल सी ब्राइड, मिल लीजिए आप लोग भी इनसे। तो हम लोग आ गए थे स्टेज पर उनको गिफ्ट देने के लिए, तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, फ़ोटो क्लिक करवाने पड़ेंगे। और वैसे जो है मम्मी को और मुझे ज़्यादा फ़ोटो वोटो क्लिक करवाने का शौक नहीं है, बस वीडियो बनानी पड़ती है, तो बस इसी वजह से। और यहाँ पे देख लीजिए, तो बस वीडियो बनानी पड़ती है यूट्यूब चैनल के लिए, आप लोगों के लिए, हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए। और फ़ोटो जो है पहले मैं खिंचवाया करती थी, पहले मुझे शौक़ ज़्यादा था, तब मैं वीडियो वगैरह नहीं बनाती थी, लेकिन अभी सिर्फ वीडियो का ही रहता है मेरा, फ़ोटो वगैरह का नहीं रहता है। तो बस हम लोग अभी आ गए थे नीचे स्टेज से, और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, तो मेरे काफ़ी सारे जो है सब्सक्राइबर भी यहाँ पे मिले, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उन्होंने मुझे दूर से ही पहचान लिया था,
और ये जो पीछे बैठी है ना, तो इन लोग को, इन्होंने मुझे देखा कि नहीं बुलबुल आई हैं तो इनसे मिल लेते हैं, तो उन्होंने दूर से ही पहचान कर मेरे पास में आ गई, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उनसे मिलकर। और बस यहाँ पे हम तीनों लोग बैठे हुए हैं, सबसे मिल रहे थे, बातें बातें कर रहे थे। कुछ कुछ लोग हम जो है बस मिलना जुलना ही होता है सारे रिलेटिव्स के साथ में, और बातें चीतें भी हो जाती हैं तो अच्छा लगता हेलो है। एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और बस अभी जस्ट मैं सोकर ही उठी हूँ। अभी टाइम जो हो रहा है 9:15 का टाइम हो रहा है, तो हम लोग जो है ना कल लेट ही सोए, और मायके में आके तो फिर लेट ही उठना होता है। आराम से उठो जब आपकी मर्जी है तब, तो बस इसीलिए जस्ट अभी उठी हूँ। और मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। सुबह ही दफ़ा जब मैंने उठ के देखा ना, तो मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा वाला हो रहा है, क्योंकि कल रात में जो है ना बारिश हो गई थी। कल ग्वालियर में भी बारिश हुई, आगरा में भी, और यहाँ पे भी हल्की बुल्की बारिश हो गई है, तो उसकी वजह से मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया। कल दोपहर से ही मौसम बहुत ठंडा था, लेकिन अभी भी मतलब विंटर आए नहीं है, लेकिन विंटर जैसा फील होने लगा, फर्स्ट लगने लगा कि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा कोल्ड भी हो गया है। और बस अभी मैंने मुंह भी नहीं धोया है, चाय भी नहीं पी है, तो बस अभी मैं फ्रेश हो जाती हूँ। और ये मम्मी बना रही है किचन में, देखते हैं क्या बना रही थी मम्मी, क्या बना रही थी मम्मी। तो आज ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा है, तो मम्मी यहाँ पे बना रही हैं ये गुलगुले, आटे के पुए जैसे बोलते थे हमारे यहाँ पे, उसको गुलगुले बोला जाता है। ये गुलगुले का आटा है और ये आलू वाले पकौड़े। तो मौसम भी अच्छा है, तो गर्मा गर्म इसको खाएंगे और चाय पियेंगे, गला भी ठीक हो जाएगा थोड़ा सा। तो मम्मी का यहाँ पे खाना भी बन चुका है। जैकी भाई जाते हैं सुबह ही सुबह, तो उनका टिफिन लगता है, तो इसी वजह से सूखी सब्जी बनानी पड़ती है कोई। तो यहाँ पे कौन सी सब्जी बनाई थी मैं? ये बीन्स आलू की सब्जी बनाई थी, और रोटियां बनाई होंगी, तो उनका टिफिन भी तैयार हो गया। तो मम्मी जो है जल्दी उठ जाती हैं और सब्जी वगैरह बना देती हैं, उनका लंच तैयार कर देती हैं। बस अभी टाइम में आप लोगों को दिखाऊं कितना टाइम हो रहा है, देखो। रात नहीं हो रही, 9:15 का टाइम हो रहा है, 8:30 बजे निकल गए थे वो तो। तो मम्मी हमारी बना रही है किचन में गर्मा गर्म पकौड़े, और साथ में बना रही हैं गुलगुले, तो हम खाएंगे भाई, क्योंकि आज मौसम जो है बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो बस मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ, मैंने नहा लिया है, और अभी चलते हैं किचन में कि मम्मी क्या कर रही हैं, उनकी थोड़ी सी हेल्प करवा देते हैं। और अभी आप लोगों के माइंड में जो है काफ़ी सारे सवाल ये आ रहे होंगे कि भाभी क्यों नहीं है किचन में, भाभी को होना चाहिए। तो उन उन सबको जवाब देने के लिए मैं बता देती हूँ कि भाई को कहीं जाना था बाहर, उनको निकलना था जयपुर के लिए, तो भाभी उनका बैग तैयार कर रही हैं। जब भाभी उनका बैग तैयार कर रही हैं, तो इसी वजह से अभी वो नहीं आई हैं। वैसे वो भी काम करवाती हैं साथ में, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करवाती हैं। तो मतलब कुछ कुछ लोगों के माइंड में जो है ना काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी ज़्यादा आती है दिमाग में, मतलब सोच नहीं लेते हैं। देखो सबकी सोच जो है अलग अलग होती है, तो वही चीज़ मैं बता रही हूँ, तो आप लोग जो है गलत मत समझना, मुझे ये चीज़ भी बतानी थी आप लोगों को। तो बस यहाँ पे बारिश बंद हो गई है, तो मैं यहाँ पे बाइक पर फेर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना स्लिप होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि हमारा ये फर्श जो है ना, ये आंगन वाला, ये थोड़ा ज़्यादा चिकना सा हो गया, तो इसी वजह से स्लिप बहुत जल्दी हो जाते हैं। मैं तो काफ़ी बार गिर भी गई हूँ। तो भाभी ने यहाँ पे जो है चाय बना दी थी, और बस अभी हम लोग नाश्ता करेंगे, हम खाएंगे गर्मा गर्म पकौड़े और मंगौड़े, और भाभी यहाँ पे लंच तैयार कर रही हैं, भाई जा रहे हैं जयपुर के लिए, तो इसी वजह से उनका टिफिन भी लगा देंगी। तो बस हो जाएगा, और आप लोग आ जाइए हमारे साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए, गर्मा गर्म चाय और पकौड़े। सो भाई भी यहाँ पे रेडी हो गए हैं, तो वो निकलने की तैयारी कर रहे हैं।
तो यहाँ से तो जो है वो बाइक से ही जाएंगे और फिर उसके बाद में जो है बस से जाएंगे। वैसे उनका ट्रेन का टिकट जो है उन्होंने करवाया था लेकिन वो कंफर्म नहीं हो रहा था, तो इसी वजह से उनको बस से ही निकलना पड़ेगा। तो ये बाइक से जा रहे हैं, बाइक को रख देंगे स्टैंड पर और उसके बाद में भी ये बस से निकल जाएंगे जयपुर के लिए। और उसके बाद में जो है मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, तो अभी हो रहा है रात का टाइम। और यहाँ पे जो है ना मुझे बहुत प्यारे प्यारे से पपीज़ दिखे, तो मुझे पपीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बच्चे चाहे किसी के भी हो, चाहे इंसान के हो, चाहे जानवर के हो, मुझे अच्छे लगते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर मैं उसको लेकर के आई थी, तो उसके पीछे पीछे से उनकी माँ भी आ गई। तो होता है ना माँ का कि मेरे बच्चे को कहीं और ना ले जाएं। खा ले तो यहाँ पे जो हमने इनके लिए ब्रेड डाले थे, तो वो ब्रेड भी नहीं खा पा रही थी क्योंकि इनकी जो माँ है वो थोड़ी बूढ़ी सी है, तो वो चबा नहीं पा रही थी शायद, इसी वजह से वो ब्रेड भी नहीं खा रही थी। वो सोच रही थी कि मेरे बच्चे खा ले, मैं चाहे भूखी रह जाऊँ, माँ का होता ही है ऐसा। और ये मुझे इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था ना, मुझे ऐसा लग रहा था इसको ऐसे गले लगा लूँ, इसको बहुत ज़्यादा प्यार कर दूँ। बहुत ज़्यादा क्यूट सा था ये पपी। और अभी जो है ये भी आ गए हैं, ये चले गए थे बच्चों से मिलने के लिए आशा बाबा जी के घर, उनके मायके। और देवरानी और जेठानी का एक ही जगह पर रहना, यही तो चीज़ अच्छी लगती है। जब भी कभी याद आए तो चले जाओ मिलने के लिए, तो बस ये चले गए थे उनसे मिलने के लिए। और अभी जिशान उनको छोड़ने के लिए आया है। चलिए गाइस, इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं कर रही हूँ। और मतलब कि ये चले गए थे भैया की साइड में, मतलब भैया से मिलने के लिए उनके घर पे, सभी आ गए हैं। और वीडियो का एंड नहीं कर पाई थी मैं, तो अभी वीडियो का एंड मैं कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही है।